फ्रेंड्स, अभी मैं आया हूँ दोस्तों, एक जगह जाऊँगा जहाँ मेरे पड़ोस वाले सभी बच्चे गए हुए हैं वहाँ पे नहर में थोड़ा नहाने ट्यूब लेके। दोस्तों अभी हम थोड़ा लेट हो गए हैं, सभी बच्चे आगे निकल गए हैं, तो अभी चलते हैं दोस्तों वहाँ पे, दिखाते हैं लोग कैसे नहा रहे हैं। तो चलिए अभी दोस्तों मैं आपको सबको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये थोड़ा हाईवे है, यहाँ पर आते रहते हैं वाहन। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, इधर वहाँ पर जो मंदिर देख रहे हैं दोस्तों, वहाँ पे एक यज्ञ होने वाला है दोस्तों, वहाँ पे काम चल रहा है। ये पोखरी है दोस्तों। तो अभी मैं दोस्तों चलता हूँ जहाँ पे सभी गांव वाले गए हुए हैं, तो वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, और अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ गए। फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ नहर पे, तो जहाँ बच्चे सभी नहा रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं वहाँ पे दोस्तों सभी गांव वाले बच्चे हैं और ट्यूब लेके आए हैं एक, वहाँ पे सभी गांव के बच्चे हैं। आ जाओ इधर। दोस्तों गांव के जितने बच्चे हैं सबको इसमें से तैरना आता है, वो जो ट्यूब लेके आए हैं केवल ऐसे मजे के लिए लेके आए हैं। तो अभी यहाँ पर दिखा देते हैं हाईवे दोस्तों, यहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। इधर देख लीजिए दोस्तों ये गमछा लिया है थोड़ा धूप से बचने के लिए। अब ये इसका कलर गेरुआ है, तो आप मत समझिए भाजपा का आदमी हूँ, ऐसा नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ पे कितने हलचल मचा रहे हैं बच्चे, वहाँ पे वो निकल के आया है। ये दोस्तों देखिए कूदने जा रहा है। देखिए सब हलचल मचा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही खुश हैं। अब ये थोड़ा पुल आ गया, उस पार अभी निकलेंगे सब, तो अभी ले चलते हैं उस पार दोस्तों, ये नहारी साइड। इसमें सभी लोग तैरना जानते हैं। दोस्तों यदि आप भी नहाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप, अगर आपको तैरने नहीं आता है तो भी मत जाइएगा, आप डूब सकते हैं। ये देख लीजिए, ये थोड़ा विदेशी टाइप है। अभी ये लोग ट्यूब लेके फिर जाएंगे, फिर वहाँ से काफी दूर से आएंगे। तो इसको अभी जिस तरीके से ये कूदा है दोस्तों, इसके पेट में बहुत ज्यादा चोट लगी होगी। अभी दोस्तों ये लोग ट्यूब लेके वहां पर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इनसे भी मिल लीजिए, बहुत ही अच्छे तैराक माने जाते हैं, फिलिप्स इनसे ट्रेनिंग लेके गया है। दोस्तों अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल है, तो आप सीख सकते हैं। तो आप तैरना बहुत आसानी से सीख सकते हैं, आप बहते हुए पानी में जाएंगे तो थोड़ा सा हाथ पैर मारेंगे दोस्तों, तो आपको तैरना आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग भी कभी तैरना जानते नहीं थे, किसी ने सिखाया नहीं है, बस ऐसे ही
हाथ पैर मारते हुए बहते पानी दोस्तों सीख गए हैं। तो हम आपसे कहेंगे कि अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं तो आसानी सीख सकते हैं। अभी दोस्तों ये देखना, अभी ये स्टाइल में थोड़ा कूदेगा तो अभी हट जाओ तुम, अभी चलो रेडी कूदो। अभी इसको देखना, ये मेन खिलाड़ी है यार, ये कूद नहीं पाया। अभी ये दोबारा से ट्राई कर रहा है, अभी इसका ट्रायल चल रहा था। अभी चलो फिर से, कुछ हद तक अब की दोस्तों ये ठीक ठाक कूदा। एक खिलाड़ी वहां पर पहुंचा है, अभी रुक जाइए उसको दिखाता हूँ। ये तो नंबर एक का कूद गया। अभी एक खिलाड़ी अभी फिर से कूदने जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कूदो। दोस्तों आप देख सकते हैं इतने बच्चे हैं। दोस्तों इसमें से जितने भी बच्चे हैं सबको तैरना आता है, और इस नहर में नहाने के लिए दोस्तों ये सब बहुत जद्दोजहद किए हैं घर वालों से, क्योंकि जब पहले आते थे तो लोग बहुत डांटते थे। ये देखिए हमारे टीम का लीडर है, थोड़ा मोटा है दोस्त। फिर से करता है। अभी ये सब ट्यूब पे कब्जा करने के लिए सब आपस में भिड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पे एक खेल चलता है, ये ट्यूब लेके आते हैं तो उस पर कब्जा करते हैं एक दूसरे। दोस्तों जो ज़्यादा ताकतवर होता है ट्यूब पलट देता है नीचे से दोस्तों। दोस्तों ये देखिए पड़ गया है। ये ट्यूब दोस्तों भाड़े पे आया हुआ है, 30 रुपया चार रेस का। चलो देखते हैं। ओए यार दिख रहा है। तो जब तक आप लोगों को तैरने नहीं आएगा तब तक आप किसी नहर या तालाब में मत जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी जान जा सकती है।